पंडित भाई का बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि ये मेरी एंसिस्टर लैंड है। मैंने कहा भाई तेरी एंसिस्टर कहाँ से हो गई, ये सैंड है, वो सबसे पुराना मंदिर है, वो और शंकराचार्य सबसे पुराने मंदिर है कश्मीर में। तो उसका जो है उसमें यही कहना चाहता हूँ कि अगर टेंपल और श्राइन बिल क्लियर हो जाती है, जब तक वो क्लियर हो जाती है तब तक अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेता है, कोई एक कमेटी बनाता है। साहब है ऑलरेडी, ये भाजपा में बहुत सीनियर लीडर थे और सबसे ज़्यादा वोट भी पिछली बार हजरतबद से लाए थे, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। और पार्टी में ये भी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर इनको और इनके माध्यम से भी जो पार्टी में रिशेप हो जाएगा। और साथ में हमारे अब्दुल हमीद साहब है, मेरे को लगता है सब मीडिया अच्छे से काम। आज सोपोर में जो घटना घटी है, पहले जिस तरीके से चिराग जी आए यहाँ पर अपनी डेलीगेशन लेकर और उस डेलीगेशन के माध्यम से जितने भी डेलीगेट्स के साथ मिले, जितनी डेलीगेशंस उनके साथ में आ गए या इंडिविजुअल डेलीगेट्स आ गए या डेलीगेशंस में जितने सेपरेट डिफरेंट डेलीगेशंस आ गए, टूरिस्ट वाले टूरिज्म वाले आ गए, ट्रैवल वाले आ गए, यूथ आ गया, सोपोर से आ गए कुछ साथी, बांडीपुरा से कुछ साथी आ गए, मेडिकल वाले कुछ स्टूडेंट्स आ गए, इवन यूथ विंग्स आ गई, महिला आ गई, कश्मीरी पंडित भाई भी आ गए, शिया बरादरी के कुछ साथी भी आए। हेल्दी एटमॉस्फेयर में जिस तरीके से उन्होंने बात की, सबकी बातें सुनी और जिस तरीके से एब्रोगेशन 370 के बाद क्या हुआ, पहले क्या था, तो ये सब चीज़ों पर जब पूरी क्लियरेंस होगी तो उसके बाद जो जिस तरीके से हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि जो उनका स्पीच था SKIC में, जिसमें उन्होंने क्लियर कट में बोला कि जो उनके वालिद साहब स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी का अधूरा सपना रहा है कश्मीर के रिलेटेड, क्योंकि कश्मीर की डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ है। जिस रेलवे की आज बड़े बड़े नेता बात करते हैं वो रेलवे पासवान जी का दिया है कश्मीर में, जिसमें आज भी 50-55 हज़ार बच्चों को रोज़गार मिला है या लोगों को सुविधा मिल रही है, फैसिलिटी मिल रही है। उसके साथ में उन्होंने जिस तरीके से यहाँ प्लांट लाया था, स्टील प्लांट, जिससे मेरे डाउनटाउन के कुछ भी नहीं तो कम से कम 800-900 बच्चों को रोज़गार मिलता है। लेकिन आप सबको पता है, आपसे बहुत बार इस पर बात भी हो चुकी है, उस टाइम की हुकूमत उमर साहब ने उसको मना कर दिया, करने नहीं दे दिया। अभी भी वो सिडको के पास लैंड पड़ी है 235 कनाल, और अभी भी हम कोशिश करेंगे उसके लिए कि वो वापस रिवाइव हो जाए, क्योंकि वो CSR एक यूनिट लगा है जिसके माध्यम से हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा। और हमने उसमें पर्टिकुलरली जो डाउनटाउन के बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखी थी कि मॉर्निंग में वो 7-8 बजे अगर निकलेंगे, शाम को वापस 7-8 बजे वापस आ जाएंगे, महीने के बाद उनको 31,000 से 35,000 के बीच में सैलरी पैकेज आ जाएगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, बच्चों के स्टडीज़ की फैसिलिटीज़, तो एक उनका ज़िंदगी का एक विचारों का जीने का एक सहारा बहुत प्रॉपर तरीके से रहेगा, जो उनका हक बनता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब